डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला की स्थापना 20 अक्टूबर 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय अकोला में है। इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम विदर्भ के प्रसिद्ध पुत्र डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख के नाम पर रखा गया था, जो भारत सरकार में कृषि मंत्री थे। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र विदर्भ के 11 जिलों में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है। इस विश्वविद्यालय से आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, BBA एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, MSc एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, MSc डेयरी साइंस, MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री, MSc प्लांट फिजियोलॉजी, MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, MSc एनिमल हस्बेंड्री, MSc एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, MSc सॉइल साइंस और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, MTech फार्म पावर और मशीनरी, MTech सॉइल एंड वाटर कंसर्वेशन इंजीनियरिंग, MSc वेजिटेबल साइंस, MSc पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, PhD एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, PhD एग्रोनॉमी, PhD एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, PhD एग्रीकल्चर बॉटनी, PhD एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, PhD एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, PhD प्लांट पैथोलॉजी, PhD हॉर्टिकल्चर, PhD सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, PhD फार्म पावर और मशीनरी, PhD सॉइल एंड वाटर कंसर्वेशन इंजीनियरिंग आदि कोर्सेस कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे विश्वविद्यालय में पुरुष एवं महिला छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा है, पीजी और यूजी छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास हैं। प्रत्येक छात्रावास में एक कॉमन रूम, हॉस्टल लाइब्रेरी, कलर टीवी, गेस्ट रूम के लिए चैटल, इंडो गेम्स रूम आदि से लैस किया गया है। संस्थान अपने छात्रों और स्टाफ सदस्यों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों के लिए विभिन्न डोमेन की लगभग 20,000 से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में बहुत सारे शोध पत्र, पत्रिकाएं और ई पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। कॉलेजों में छात्रों के लिए खेल अभ्यास के लिए सभी सुविधाएं हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खेल से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विश्वविद्यालय में छात्रों के प्लेसमेंट के लिए एक प्लेसमेंट सेल है, जो विश्वविद्यालय के युवा स्नातकों के बेहतर प्लेसमेंट के लिए सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह छात्रों के लिए कई सेमिनार, व्याख्यान, कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करता है। यह छात्रों को प्लेसमेंट की जानकारी प्रदान करता है और कैंपस इंटरव्यू की भी व्यवस्था करता है। यह समय समय पर व्यक्तित्व विकास करियर मार्गदर्शन व्याख्यान भी आयोजित करता है।
विश्वविद्यालय में विभिन्न कृषि कंपनियों द्वारा कृषि स्नातकों का चयन किया जाता है। औसत पैकेज 3 लाख का रहता है। विश्वविद्यालय में शोध कार्यों के लिए शोध निर्देशालय की स्थापना की गई है, जहां कृषि वैज्ञानिक शोध कार्य करते हैं। इस विश्वविद्यालय ने अनाजों, दालों, तिलहनों की बहुत सारी उन्नत किस्मों का विकास किया है, जो महाराष्ट्र राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कृषि परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।